समस्याएं मानवाधिकार उल्लंघन की हो, लोकतंत्र को बचाने की हो, निजीकरण से बचाने की हो, एक ही बात है। आज सारे देश के लोगों के सामने जो मूल समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किस तरीके से उनको जो है वो रहन सहन की समस्या है, गरीबी से ऊपर लाने की समस्या है, ये सब वायदे तो बहुत सारे होते हैं, आपने भी देखे, हम लोगों ने देखे। लेकिन जहाँ रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता था, आज 17 लाख लोग काम करते थे, आज वहाँ पर रेगुलर में 12 लाख हैं, लेकिन 5-5.5 लाख लोग जो हैं वो ठेका मजदूर, और उन ठेका मजदूरों को कहीं मिनिमम वेज नहीं मिलता, कहीं सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। अभी सवेरे भी उसी की लड़ाई लड़ करके आया हूँ कि भाई इसे कैसे चलेगा। सरकार प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, रेलवे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, और अगर वो ठेकेदारों पर लगाम नहीं लगा सकती तो कैसे होगा। हमने तमाम झगड़ा किया, टेंडर में लिख दिया जाता है कि श्रम कानूनों का पालन करो, लेकिन टेंडर की कास्ट पड़ गई, पैसा बिचौलियों के बीच में जा रहा है, या जो अधिकारी है वो खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो ड्यूटी कर रहा है, उसको न काम के घंटे हैं, न सोशल सिक्योरिटी है, न उसको मिनिमम वेज मिल रहा है, तो ये कैसे काम चले। तो आज हम लोग उनके संगठित करके उनकी लड़ाई भी लड़ने का काम कर रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि ये जो उल्लंघन है वो भी बहुत ज़्यादा दिन चलने नहीं पाएगा। ये जो असंगठित क्षेत्र के साथी हैं, निश्चित तौर पर संगठित होकर के भारत सरकार को लड़ने के लिए तैयार होंगे, संघर्ष के लिए तैयार होंगे। आज मेघाजी ने, हमारे तमाम संगठनों ने मिल करके ये संघर्ष और प्रतिरोध का जो बीड़ा यहाँ पर उठाने का काम किया है, मैं अब तमाम बहन और भाई जो यहाँ इकट्ठा हैं उनको ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से इस बात का आश्वासन देता हूँ कि हम भले ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, लेकिन हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी आपकी लड़ाई में साना बशाना होकर के हम लोग जहाँ भी आपका हुक्म होगा आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे। आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे आपको कुछ आगे मिलने वाला नहीं। आज तमाम वादे किए गए, और ये तो वादे करते हैं सिर्फ तोड़ने के लिए, बुलाने के लिए। अभी वक्त आ गया है इनको वादों के लिए याद दिलाया जाए, और याद ही नहीं दिलाया जाए, आने वाले समय में जब मौका आए तो इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए, और कहा जाए कि वादा खिलाफी का जवाब देना इस देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है, पहले भी दिया है, आगे भी देने का काम करें। मोदी सरकार हटानी है। तो ये मित्रों आपको समझने का काम है, मुझे मालूम है कि जिस जगह से जहाँ से आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, एक जो है वो निश्चित तौर पर एक निश्चित मन से आप जो है वो अपने मांगों को हासिल करने के लिए संघर्ष के एक मिसाल बनकर के आए हैं। जब यहाँ जाएंगे एक एक गांव में, एक एक जगह पर अलग जगाएंगे, और जो सरकार है उसके जो कारनामे हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे। आने वाले समय में जो हमें मौका मिलेगा उसका भी भरपूर फायदा उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। We'll be right back.